क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वही प्रॉब्लम है क्या? इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? वही प्रॉब्लम है मतलब क्या? आप अगर केमिस्ट से अपनी रेजर लेने जाते हो, हाँ, या कोई ज़रूरत की चीज़ लेने जाते हो, तो उसको ऐसे धीरे से बोलते हो कि भाई रेजर दे दे। हाँ, मैं तो जब जाता हूँ तो वो जो केमिस्ट शॉप वाले होते हैं वो उसको पैड वगैरह इतना लपेट के, पैड वगैरह नहीं, पैड वगैरह, हाँ, उसको इतना बढ़िया से लपेट के देते हैं वो, जैसे कि हम वो ब्लैक पॉलिसी, वो उसका जो किम जोंग का न्यूक्लियर बम लेके जा रहे हैं। और कभी कभी तो बीवी सोचती है कि इतना टाइट पैकिंग में कोई गिफ्ट लेके आए, लेकिन अंदर से पैड निकलता है। हाँ, ये प्रॉब्लम है हमारी, हम बात नहीं कर पाते इस बारे में। बट मेंस्ट्रुएशन बहुत ही नॉर्मल नेचुरल चीज़ है, जैसे हवा होती है, पानी होता है, आप सांस लेते हो, आप सोते हो, आप जागते हो, ऐसे ही आप मेंस्ट्रुएट करते हो। और इसमें इतना चुप रहने के लिए और धीरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, दुकान पर जाके वो कुछ विंग और साइज बताता है, विंग मैंने पंख उड़ता उड़ता है, क्या होता है उसका? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप उन सैनिटरी नैपकिन्स को लगा के उड़ने लगते हो या वो पैड उड़ने लगता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है? सो ये पैड है, ये इसकी पैकिंग है, आपने इसको यहाँ से खोला, ठीक है? अब जो है, जो ये पार्ट है, यहाँ पे स्टिकर लगा है, आपने उसको उतारा, ये विंग्स हैं। अच्छा, अब अगर आप इमेजिन करो कि ये जो क्लॉथ, ये जो पीछे प्लास्टिक है, वो आपके अंडरवेयर का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है? आपने ये जो पीछे स्टिक हुआ हुआ है, ये ग्लू होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है? ये ग्लू आपके उस पार्ट पे स्टिक हो जाती है। और जो ये विंग्स होते हैं, इसके इसके दोनों साइड ये जो विंग्स हैं, ऐसे और ऐसे स्टिक हो जाते हैं, ताकि जो आपका पैड है वो एकदम प्लेस पर रहे, आप समझ रहे हो, हिले नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसे लटके हुए तो छोड़ नहीं सकते, वो इधर उधर हिलता रहेगा। तो ये विंग्स चिपकना जरूरी है, चिपकना जरूरी है, ठीक है? तो विंग्स इसको चेप बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, चिपकाने के काम। दूसरी बात जो आपने साइज की पूछी, इस केस में भी साइज मैटर्स। अच्छा, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे जो जो टीनेजर्स होती हैं, उनका जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, तो इसलिए उनकी फ्लो बहुत हाई होती है, तो उनके लिए चलता है थोड़ा बड़ा साइज। और ऐसे भी वुमेन हुआ बिगर, जो थोड़ी हेल्दी औरतें होती हैं और जो थोड़ी भरी भरी औरतें होती हैं, उनके लिए भी थोड़ा साइज चलता है बिगर, तो एक्सेल चल जाएगा। जैसे कि रेगुलर में आप लार्ज पहन सकते हो दिन के टाइम पे, नॉर्मली दिन के कोर्स में, या फिर अगर आपका फ्लो इतना हैवी नहीं है तो आप स्मॉल या रेगुलर या लार्ज साइज। इसमें इसमें मतलब ऐसे कितने साइज आते होंगे, जैसे टी शर्ट में आते हैं एक्सेल और मीडियम? हाँ, एक्सेल, लार्ज, रेगुलर। अच्छा। और लार्ज से एक्सेल से ये भी होता है कि जैसे आप रात को सो रहे होते हो, तो अगर आपने रात को सोते टाइम एक्सेल पैड लगा लिया तो आप बहुत हिलते हो बेसिकली। अच्छा। तो स्टेनिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, स्टेनिंग माने दाग लग जाना। अच्छा। ठीक है, तो जो एक्सेल होता है वो साइज इतना बड़ा होता है, उससे स्टेनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो ये साइज का फंडा है। अच्छा, लेकिन ये मतलब हम लोगों के अगर कुछ रखा हुआ है अंडरवेयर में, चिपकता रहेगा चारों तरफ, अजीब नहीं लगता? ये झेल नहीं सकते? अब ऐसा है कि लड़कियों को काफ़ी कुछ झेलना ही पड़ता है, तो हम ये भी झेल ही लेते हैं, आदत पड़ जाती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मतलब अब आपको तो ये, हम ऐसा तो विश कर नहीं सकते कि आपको भी हो तो आपको पता चले, बट हमें होता है और हम ग्रेजुअली आदत डाल लेते हैं। इनिशियली अनकंफर्टेबल होता है बट वी गेट यूज्ड टू इट, एडजस्टिंग होती है ना लड़कियाँ, पता है। इसको फेंकने में भी ना क्या तरीका है, मतलब ये नहीं कि आप करके फेंक दो। हाँ। इसको जितनी तमीज़ से ये पैक होके आता है, उतनी तमीज़ से आपको इसको डिस्पोज करना होता है। तो बेसिकली आप न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें ढंग से उसको रोल करके बंद करके न्यूज़पेपर को फेंकिए, क्योंकि वरना बहुत अनहाइजीनिक होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा इसके नहीं। इसके लिए मतलब कि ये जितना अच्छी सुंदर पैकिंग में बना के देते हैं पेपर में लपेट के, वो भले न दें वहाँ से, लेकिन यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से पैक करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये आते भी पैकिंग के साथ हैं और ये जाते भी पैकिंग के साथ हैं। अच्छा, मेरी वाइफ जो है, मतलब हम लोग कभी बाहर निकलते हैं, जैसे उसको बीच में पीरियड्स वगैरह हो गए, तो
चेंज वेंज करना रहता है तो वो कभी हाँ. ज़्यादा टाइम लगा देती है, ढूंढना पड़ता है हमको जगह, तो इसका कुछ इसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपको हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी 3 to 4 hours या मैक्सिमम 5 तक आपको पैड चेंज करना ही करना है, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल. या फिर आप हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ कर लो पूरे दिन लगा के. नहीं तो दूसरी चीज़ होती है स्टेनिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है. इसको कॉम्बैट करने के लिए एक और जो ऑल्टरनेटिव है पैड का वो होते हैं टैम्पॉन्स. अच्छा, ये कोई नई इंग्लिश पिक्चर टाइप की चीज़ है, मतलब क्या है इंग्लिश पिक्चर? अगर आपको लगता है ये अनकंफर्टेबल है तो आप टैम्पॉन सुनोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्या ही चीज़ है. पाइप जैसा समझ लो आप. अच्छा. पर ऐसा नहीं कि पाइप घुसेड़ रहा, बट कुशन्ड होता है वो. अच्छा. कॉटन होता है, सॉफ्ट होता है और उसकी जो एज होती है ऊपर की वो भी राउंडेड होती है. अच्छा. आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी उसकी इमेज अभी. तो वो जो होता है वो आप अपने वजाइना में इंसर्ट करते हो. तो जितना भी ब्लड होता है वो जो उसकी कॉटन और जो फाइबर होता है वो सब सोक कर लेता है, तो बाहर कुछ नहीं आता. इंसर्ट ऐसे करते हैं कि उसके अंदर आपने इंसर्ट किया और जो थ्रेड होता है उनका नीचे धागा होता है जिसको आप पुल करके उसे बाहर निकाल सकते हो. इसको भी आपको एवरी 4 hours हर 4 घंटे में चेंज करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी पूरा लोडेड होता है और इट्स अनहाइजीनिक, क्योंकि आप इतना टॉक्सिक उसमें लोड कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली उसको हर 4 घंटे में 3 घंटे में निकाल के डिस्पोज तो करना ही है. बट स्टेनिंग का जो प्रॉबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. ये पैड से ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम है या अपने यहाँ होता है कि नहीं? ये सिरदर्दी वाला काम देखो इनिशियली तो है. बहुत लड़कियों को इनफैक्ट ऐसे लगता है कि जैसे अगर वो टैम्पॉन यूज़ कर लेंगी तो उनकी वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगी. गर्ल्स दैट्स नॉट द केस, बिकॉज इट्स नॉट लाइक आपके पूरे ही अंदर जा रहा है वो. इट्स लाइक बार बार रहता है. इट्स जस्ट टिल योर वल्वा, इट डजंट गो कम्प्लीटली इनसाइड एंड योर वर्जिनिटी इज सेफ एंड साउंड, जस्ट फॉर द रेकॉर्ड. वर्जिनिटी का बहुत हल्ला है, बहुत हल्ला है. पहले बताना ठीक जी. अच्छा, और जो आप दूसरी चीज़ पूछ रहे थे कि इंडिया में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है. बट जैसे हम मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं हमारे पास एक्सेस है काफ़ी ज़्यादा टैम्पॉन जैसी चीज़ों का. बट ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया तो नहीं है, विलेजेस में तो पैड्स ही नहीं है. तो कपड़े तकिए से निकाल के चादरी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हाँ, ये वेस्ट में ज़्यादा पॉपुलर है. एक और चीज़ जो वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर है वो है मेंस्ट्रुअल कप्स. अच्छा, ये कॉफी वाली मग के जैसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, आपके गाँव में तेल वाली कुप्पी नहीं होती जिसमें आप तेल डाल देते हो, तो वो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको उसकी इमेज भी अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी. तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं वो सिलिकॉन या रबर जैसे एक मटेरियल के होते हैं जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. तो जैसे आप रबर बैंड को ऐसे ऐसे करके मोड़ सकते हो, आप मेंस्ट्रुअल कप को भी कैसे भी मोड़ सकते हो. तो होता ये है कि आप इसे फोल्ड करते हो. इसके बहुत टाइप के फोल्ड होते हैं, एस फोल्ड हो गया, सी फोल्ड हो गया. ये हर कप को अपने हिसाब से फोल्ड करिए. अच्छा, मतलब उसके लिए पहले से वहाँ बताने की जरूरत नहीं उनको इस टाइप का? वो आपको ट्रायल और एरर से पता चलता है कि आपको किस टाइप का फोल्ड सूट कर रहा है, क्योंकि आप आफ्टर ऑल एक चीज़ इंसर्ट कर रहे हो ना बॉडी में, तो आपको विद टाइम ही समझ में आएगा कि आपको कौन से टाइप का फोल्ड सूट कर रहा है. तो आपने उसको अपने टाइप से फोल्ड करा, अपने वजाइना में इंसर्ट करा और जो वो कुप्पी जैसे तेल कलेक्ट कर लेती है वैसे ही वो जो कप है वो आपका पूरा ब्लड कलेक्ट कर लेगा. तो इससे क्या होता है कि एक तो ये रियूजेबल है. अच्छा, हाँ, मतलब एक कितने समय तक इस्तेमाल? आप पूरे 12 घंटे भी यूज़ कर सकते हो, आपको चेंज ही नहीं करना. अच्छा, तो वो पूरे 12 घंटे आपका कप जो है वो ब्लड कलेक्ट करेगा, उसके बाद आपको उसको डिस्पोज नहीं करना. अच्छा, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अपनी लाइफ के मेंस्ट्रुएट करते हैं और आप सोच भी नहीं सकते हम कितने पैसे सैनिटरी नैपकिन्स में भूखते होंगे. तो बेसिकली ये होता है कि आप एक कप लो, उसको इंसर्ट करो, उसको यूज़ करो, ब्लड कलेक्ट करो, ब्लड को बाहर कप को निकालो, ब्लड को फेंको और उसको वॉश करो. वॉश अच्छे से करना चाहिए बिकॉज हाइजीन इशूज़ अगेन. तो वो डिटॉल विटॉल से? हाँ, प्रॉपर उसको सैनिटाइज करो, ये नहीं कि आप उसको खुले में छोड़ के इधर उधर फेंक के घूम रहे हो लाइफ में. हाँ, तो उसको सैनिटाइज करो अच्छे से, उसको यूज़ करो और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे, क्योंकि ये जो है ये बहुत बायोडिग्रेडेबल तो नहीं होता टू बी ऑनेस्ट. तो ये सीन है मेंस्ट्रुअल कप्स का. आई होप इंडिया में भी बहुत जल्दी आ जाए. और अच्छा, अभी यहाँ पर आया नहीं है? है बट वही अर्बन सीन है थोड़ा. दिल्ली मुंबई में चल मिल जाएगा लेकिन और छोटे शहरों में या गाँव में नहीं मिलेगा. तो एटलीस्ट हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की शुरुआत जो है दिल्ली बॉम्बे से तो कर ही सकते हैं, राइट? आगे आगे धीरे धीरे विलेजेस में भी कर देंगे. मक्खी चूस लोग तो जो मर्द होते हैं वो कॉन्डम वगैरह भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं. तो ये पैड वैड तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, उधर गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पहले बताया. तो
वहाँ के लिए तो एक कप काफ़ी सही रहेंगे मेरे ख्याल से आ जाएंगे। तो चाचा जो हैं वो गांव की दिक्कतों को डिस्कस करते टाइम बहुत सैड लग रहे हैं, तो इनको हैप्पी बनाने के लिए आप हमारा पेज लाइक करिए, हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए।